हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस। आज के ट्यूटोरियल में जो है हम जो सीखेंगे हम किस तरीके से जो है इंस्टाग्राम फ्रेम में जो है अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फेसबुक का जो फ्रेम होता है उसमें जो अपनी पोस्ट कैसे हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो अभी के टाइम में ये सब जो है ट्रेंडिंग है, काफ़ी सारे लोग इस तरह की चीज़ें जो है करते हैं। तो आपने बहुत सारे जगह देखा होगा कि लोग जो अपने इंस्टाग्राम पे जो है लाइक जो अपने हिसाब से लिख देते हैं और उसको जो है पोस्ट बना के डाल देते हैं, तो ये काफ़ी क्रिएटिव है। और आजकल जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिसिटी मिल सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से इंस्टाग्राम की फ्रेम का जो बैनर बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। सिंपली हमें जो अपने मोबाइल में जाना है एंड मोबाइल में जाके अपने इंस्टाग्राम के ऐप को ओपन करना है, और वहाँ पर जाके जो है आपका जो है अपने इंस्टाग्राम का जो है स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इस टाइप का आपसे जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। यहाँ आपकी पिक्चर होगी, ठीक है, तो वो पिक्चर भी आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है और उसको जो अपने कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में ले आना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आपको जो सिंपली जो है गूगल में जाना है एंड गूगल में आपको जो है सर्च करना है फ्री पिक, ठीक है, FREPIK फ्री पिक, ठीक है। फ्री पिक में आपको सर्च करना है, फ्री पिक आ जाएगा आपका, देन आपको जो यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम फ्रेम, ठीक है, INSTAGRAM इंस्टाग्राम फ्रेम, ठीक है। आपने जैसे सर्च किया तो आपको जो ये देखिए इंस्टाग्राम में बहुत सारे फ्रेम जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे ये रहा, ठीक है, ये रहा, तो आपको जो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये EPS की है तो आपको सिंपली डाउनलोड कर देना है और इसको जो है कोरल में आपको ओपन कर देना है, ठीक है। तो आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप इस तरह से आपको जो अलग अलग जो है बहुत सारे स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री मिलती है और बहुत सारी चीज़ें परचेज मिलती है, ठीक है। आप जो फ्री वाले जो है डाउनलोड करिए, ओके नाउ, फिर आपको जो है कुछ इस तरह का जो आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि सिंपल से जो है आप अपने पिक्चर जिसका भी आप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी पिक्चर आपको ले आनी है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको जब भी आप डिज़ाइन करें तो इसमें जो है आपको जो है एक पिक्चर का, अगर आपके पास दो पिक्चर हैं तो एक पिक्चर को जो है बिल्कुल फ्रेम के अंदर रखिए और एक पिक्चर को हल्का सा फ्रेम से बाहर रखिए, ताकि उसका एक 3D लुक आ सके, ठीक है, और वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि सिंपल जो आप कुछ इस तरह की पिक्चर आपको डाउनलोड कर देनी, ठीक है, जैसे ये रही, ठीक है, मतलब आप अपनी पिक्चर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो भी थोड़ा सा इस तरह की हो, ठीक है, मतलब एकदम आउटलुक ना हो, थोड़ा मॉडर्न लुक में भी आपकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपल अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप जब इसको खुद यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी जो है अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, एंड ये पिक्चर है, इन दोनों को बड़ी करता हूँ अभी के लिए, ठीक है, ये दो पिक्चर है मेरे पास अभी, तो इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा, ठीक है, ये काफ़ी मेन चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को लाता हूँ, ठीक है, अब इस पिक्चर को जैसे मैं इसके अंदर लाता हूँ, ये देखिए ये पिक्चर थोड़ा सा बाहर जा रही है, ठीक है, एंड ये पिक्चर थोड़ा सा अंदर है, तो यहीं पे आपको जो है चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ एंड इसको इसके पैर को मैं हल्का सा बाहर ला रहा हूँ, ठीक है, यानी जो ये फ्रेम है वाइट वाला, मेन जो पिक्चर है, पिक्चर जो इंस्टाग्राम की होती है इस सर्कल के अंदर रहती है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है इसको लाया तो लेकिन इसके हल्का सा बाहर किया यहाँ से फुटर से, ठीक है, जो उसका पैर है वो जो है फ्रेम से हल्का सा बाहर गया, ठीक है, एंड इसको हल्का सा ऊपर करता हूँ और इसके हाथ और सर को भी हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर चला गया। अब देखिए इसने अपना लुक जो है बिल्कुल चेंज कर दिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने पहले पिक्चर को इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया। आप भी कुछ इसी तरीके से अपने पिक्चर को जो है एडजस्ट कीजिए, ठीक है। नाउ नंबर टू, मैंने दूसरी इमेज ले रखी है, इसी इमेज को लाता हूँ मैं यहाँ पर। अब यह तो या मैं इस इमेज को मैं छोटी कर दूँ या इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा इस इमेज को छोटा करूँगा, ठीक है, इस तरीके से छोटा करूँगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है, एक हैंड उसको फ्रेम से ऊपर चला गया, उसका पैर भी चार गया, ठीक है, लेकिन मुझे मैं चाहता हूँ इसको इस इमेज को और अच्छे से मैं इसको प्रेजेंट करूँ यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सिंपल जाऊँगा, मैं इस इमेज को हल्का सा नीचे करूँगा इस तरीके से, ये देखिए ये इमेज। अब आप देखिए आपका, अगर मैं यहाँ पे
इसको डिलीट करता हूँ, F4 करता हूँ। अगर मैं इस यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी कलर अभी के लिए फिल करता हूँ ब्लू वाला, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेम है अभी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कि पूरा इंस्टाग्राम का एक स्क्रीन शॉट है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम, अगर आप फिर पिक से डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल डाल दीजिए, यहाँ पे यूज़र नेम डाल दीजिए, यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, फॉलो को हटा भी सकते हैं, इसको आप रख भी सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कैप्शन डाल दीजिए, यूज़र नेम जो भी है वो सब चीज़ें आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपना एक ईजी तरीके से आप जो अपने पोस्ट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए तो कितना ये परफेक्ट और अट्रैक्ट, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।